नमस्कार, मैं एक पंजतीर्थ विद्यालय का छात्र हूँ। आज शिक्षक दिवस पर आपके समक्ष अपने हृदय वेदना को साझा करना चाहता हूँ। महोदय, यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार हम जैसे ग्रामीण छात्रों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रही है और वर्तमान में है भी, परंतु वही जब अपने शैक्षिक स्तर को शहरी क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के शैक्षिक स्तर से नापता हूँ तो वही अंतर पाता हूँ जो आकाश और पाताल में है। मेरा विद्यालय किसी अधिकारी द्वारा गोद लिया गया विद्यालय है। विद्यालय में निरंतर अधिकारी द्वारा निरीक्षण होता रहता है, परंतु कोई भी अधिकारी हमारी शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन नहीं करता। हमें दूध पिलाया गया है या नहीं, हमें भोजन दिया गया है या नहीं, हमारे विद्यालय का परिसर स्वच्छ है या नहीं, विद्यालय समय से खुल रहा है या नहीं, इन्हीं सारी बातों का निरीक्षण होता रहता है और हमारे शिक्षक मजबूरी बस इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जुट जाते हैं। सिलेंडर भरवाने में, सफाई करवाने में, रजिस्टर बनाने में, दूध बंटवाने में हम जैसे गुदड़ी के लाल मोहताज रह आते हैं शिक्षा से। मेरे माता पिता निरक्षर हैं, फिर भी मैं निरक्षर ना रह जाऊं, मुझे परिस्थिति विद्यालय प्रतिदिन भेजते हैं। महोदय, क्या केवल सरकारी खातों में इतनी बड़ी रकम है मात्र साक्षर भर कर के लिए है? हमारी व्यथा को समझ जब मैंने अपनी व्यथा को अपने शिक्षकों के समक्ष रखी तो वे व्यतीत होकर बोले, बेटा उन छात्रों के विद्यालय में दूध वितरण नहीं होता, माध्यान्ह भोजन वितरण नहीं होता, उनके शिक्षकों की ड्यूटी बोर्ड बनवाने में नहीं लगाई जाती, वहाँ मात्र पढ़ाई होती है। महोदय, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे शिक्षक आज भी विश्व गुरु के वही द्रोण वशिष्ठ सांदीपनी है, परंतु सरकारी प्रणालियां ही हैं जो मुझ जैसे ना जाने कितने गुदड़ी के लालों को मात्र साक्षर करके छोड़ देगी। महोदय, हमें दरकार मात्र अच्छी शिक्षा की है ना कि दूध की, हमें दरकार मात्र अच्छे संस्कारों की है ना कि माध्यान्ह भोजन की। हमें हमारी व्यथा को समझिए, हमें शिक्षा दीजिए और हमारे गुणों को स्वतंत्र छोड़िए ताकि मेरा भारत पुनः विश्व गुरु कहला सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा। धन्यवाद।